बेटे प्रीवियस ईयर में 2017 का क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का। क्वेश्चन में बोला जा रहा है टू रिएक्शंस आर वन एंड आर टू हैज आइडेंटिकल प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इक्वेशन जैसे हम जानते हैं के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। ये इक्वेशन होता है हमारा, यहाँ पर ए जो होता है ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसको बोला जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन वन एक्सीड्स दैट ऑफ रिएक्शन टू बाय 10 किलो जूल पर मोल, ठीक है। के वन के टू आर द रेट कांस्टेंट, के वन के टू रेट कांस्टेंट है दोनों रिएक्शंस के लिए एट 300 केल्विन। देन लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू लॉग के टू बाई के वन की वैल्यू क्या होगी? तो बेटे हम दो इक्वेशन ले लेते हैं। सबसे पहले तो इस इक्वेशन का लॉग ले लें अगर, तो ये हो जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ea अपॉन rt, ठीक है। log a इंटू बी को log a प्लस बी लिखते हैं, लेकिन e टू द पावर माइनस ea अपॉन rt, तो माइनस ea अपॉन rt पहले चला जाएगा, ea अपॉन rt, और ln e की वैल्यू 1 होती है, राइट। तो वो 1 हो गया, तो हमने सिर्फ डायरेक्ट इसे लिख लिया। अब यहाँ बेटा मान लें कि एक बार जो है हमारा ln k2 अगर हम लेंगे, तो चूंकि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर सेम है तो ln a तो सेम रहेगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ke a1 हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसे ln k1 ले लेते, ये k2 लिया है तो ये क्या हो जाएगा e2, ठीक है। अगर इसे k1 ले लेंगे तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ चेंज हो जाएगा ea1 अपॉन rt, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें से सेकेंड में से फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा ln k2 माइनस ln k1, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू, माइनस करिएगा बेटा ना, तो दिस माइनस दिस, तो हम लिखेंगे ln a माइनस ea2 अपॉन rt माइनस ln a, और माइनस आएगा तो इसे क्या कर देगा, प्लस ea1 अपॉन rt, ठीक है। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ea1 माइनस ea2 अपॉन rt कॉमन कर लेते हैं। और आपको पता है कि log a माइनस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log k2 अपॉन k1, log a माइनस b इज इक्वल टू log a अपॉन b इज इक्वल टू ea1 माइनस ea2 अपॉन rt, राइट। और दोनों एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना है, इसने ऑलरेडी बोल रखा है 10 किलो जूल, ठीक है। तो हम यहाँ पर दोनों एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस कितना ले लेंगे, 10 किलो जूल। तो 10 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू 300 केल्विन दे रखा है, तो 300 में से ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर 100 हो गया और नीचे 8 इंटू 324, ये अप्रॉक्स 25 के पास में आ जाएगा। तो 100 अपॉन 25 कितना हो जाएगा बेटा, क्लियर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी द वैल्यू ऑफ K2 बाई K1 वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा।